हाय गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग यूरोप महाद्वीप। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग रिवीजन कर लिए थे इसमें कौन कौन से देश कहाँ पे हैं, ठीक है। आज हम लोग डिटेल में देखेंगे देश वाइज, ठीक है, कंट्री वाइज आज डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं नॉर्वे से, ठीक है। ये देश आपका नॉर्वे है, ठीक है। तो नॉर्वे आप मैप में एटलस में देखिए ध्यान से, ठीक है। तो जो ये नॉर्वे है तो नॉर्वे के ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पे कट कट का ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कट कट का होगा, ठीक है। ये क्या है, कट कट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसे हम लोग कहते हैं फियोर्ड तट, फियोर्ड तट, ठीक है। कटा फटा जो क्षेत्र है जो नॉर्वे का है, ठीक है, ये क्या है, समुद्री क्षेत्र है, ये है ना समुद्री क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है, आर्कटिक महासागर का जो सारे समुद्री क्षेत्र है तो इसके अंदर कटा फटा क्षेत्र है, ठीक है। नॉर्वे का सबसे बड़ा जो जो कटा फटा क्षेत्र है किसका, नॉर्वे का है। और इस कटा फटा क्षेत्र को क्या कहते हैं, फियोर्ड कहते हैं, फियोर्ड, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो फियोर्ड तट है किसका है, वो नॉर्वे का है। सबसे बड़ा तट किसका है, नॉर्वे का है, फियोर्ड तट है, ठीक है। तो बात करते हैं कि नॉर्वे की जो राजधानी है क्या है, ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी आपको यहाँ मिलेगा ओस्लो, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, ओस्लो दिख रहे हैं हम लोग, नॉर्वे, ठीक है। तो इसकी राजधानी है ओस्लो, ठीक है। तो ये जो नॉर्वे है इसे कहते हैं मध्य रात्रि का देश कहते हैं। इसकी राजधानी ओस्लो है, ठीक है। यहाँ पे शांति पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार का शांति, ठीक है। यहाँ पे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दी जाती है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार छः क्षेत्र में जाते हैं, कितने, छः। तो नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, वो पुरस्कार दिए जाते हैं छः क्षेत्र में, कौन कौन से, तो ध्यान दीजिएगा, शांति, ठीक है, साहित्य, शांति साहित्य, भौतिकी, रसायन, ठीक है, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, शांति साहित्य भौतिकी रसायन चिकित्सा और अर्थशास्त्र। तो नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है, ओस्लो में दी जाती है नोबेल पुरस्कार की कौन सी, शांति। शांति के क्षेत्र में दी जाने वाली जो नोबेल पुरस्कार है वो दी जाती है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। बाकी बच गए पांच, बाकी पांच बच गए, वो पांच दी जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। कहाँ से, स्टॉकहोम से, ठीक है। स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं छः क्षेत्र में, ठीक है। उसमें से शांति का जो पुरस्कार है, शांति का, नोबेल का जो शांति का क्षेत्र है वो दिए जाते हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। बाकी पांच बच गए, बाकी पांच जो बच गए कौन कौन, भौतिकी रसायन चिकित्सा साहित्य और अर्थशास्त्र, ये बाकी पांच बच गए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम से दिए जाते हैं पांच। आगे बढ़ते हैं, आते हैं फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड को कहते हैं हम लोग झीलों का देश, फिनलैंड को कहते हैं हज़ार झीलों का देश, या फिर झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा बाल्टिक सागर, ठीक है। बाल्टिक सागर का ये भाग जो इधर गया है, ठीक है, ये आपका कहलाता है बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी। इसकी बाल्टिक सागर के इधर जो पार्ट गया है, बाल्टिक सागर का ही भाग है, ये है आपका फिनलैंड के नीचे फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी आपको यहाँ मिलेगा। इसके नीचे यहाँ पे रीगा की खाड़ी, कौन सी, रीगा की खाड़ी, ठीक है।
तो यहाँ पे बताया थे, आप लोग बता चुके हैं कि यहाँ पे है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, तीन देश हैं। तीन देश कौन से हैं? बाल्टिक देश, जिसे हम लोग कहते हैं बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तीन देश हैं, इसे हम लोग कहते हैं बाल्टिक देश। ठीक है, आते हैं इसके बाद यहाँ पे पोलैंड। ठीक है, पोलैंड की राजधानी वर्सा। ठीक है, ये पोलैंड। ठीक है, अब यहाँ आएंगे फिर हम लोग यहाँ पे जर्मनी, ये जर्मनी है और ये डेनमार्क है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग पढ़े थे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये जो देश हैं इसे कहते हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। इसमें तीन देश हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इसमें तीन देश हो गए। ठीक है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। ठीक है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, इसमें कौन कौन हो गए? नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, अब बात करेंगे स्कैंडिनेवियन देश, स्कैंडिनेवियन देश। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियन देश में आएंगे पांच देश। ठीक है, पांच देश कौन कौन से? इसमें तीन देश तो ये आएंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड एंड डेनमार्क। ठीक है, स्कैंडिनेवियन देश में आएंगे पांच, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, इसमें टोटल आएंगे पांच देश। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे जो जो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है, यहाँ पे फैला हुआ है स्कैंडिनेवियन पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, स्कैंडिनेवियन पर्वत, इसी के नाम पे यहाँ नाम पड़ा है स्कैंडिनेवियन पर्वत और देश। ठीक है, बट डेनमार्क और आइसलैंड क्यों लेते हैं? ठीक है, क्योंकि यहाँ के सांस्कृतिक जो कल्चर है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के, यहाँ से मिलता जुलता है डेनमार्क का और आइसलैंड का। ठीक है, यहाँ का जो सांस्कृतिक जो कल्चर है वो मिलता जुलता है, इसलिए इसमें आइसलैंड और डेनमार्क को भी काउंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए है डेनमार्क, ठीक है, यहाँ जर्मनी। ठीक है, तो ए डेनमार्क है, ये जो डेनमार्क दिख रहा है, तो डेनमार्क का जो ये दिख रहा है आपको, ये एक प्रायद्वीप है। ठीक है, इस प्रायद्वीप को कहते हैं हम लोग जूटलैंड प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप, है ना। पिछले क्लास में बता चुके हैं कि कौन कौन सा प्रायद्वीप यहाँ है, तो ये है आपका जूटलैंड प्रायद्वीप। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ये जो जर्मनी है, जर्मनी है, तो जर्मनी के छोटा सा भाग यहाँ आ रहा है, तो जर्मनी क्या किया है कि यहाँ से बीच में कट कर दिया है, बीच में कट करके यहाँ पे बनाया है नहर। क्या बनाया है? नहर बनाया है। इस नहर का नाम क्या है? कील नहर। ठीक है, कील नहर। क्या नाम है? कील नहर। ठीक है, अब डेनमार्क के इधर आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा उत्तरी सागर। कौन सी? उत्तरी सागर, उत्तरी सागर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि कील नहर किसे किसे जोड़ता है? तो इधर से बाल्टिक सागर, इधर से उत्तरी सागर। कील नहर जो जोड़ता है वो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को। ठीक है, तो ये कील नहर यहाँ पे बनाया है। ये आपका डेनमार्क हो गया। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी आपका हो गया कोपेनहेगन। ठीक है, ये आपका जर्मनी हो गया। आप यहाँ आएंगे नीदरलैंड। ठीक है, ये आपका नीदरलैंड है। नीदरलैंड की राजधानी जो है आपका एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। और यहाँ पे आपको बेल्जियम मिलेगा। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी मिलेगा आपको ब्रुसेल्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए नीदरलैंड, बेल्जियम, ठीक है, और यहाँ पे आपका जर्मनी। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका है जूटलैंड, जूटलैंड। ठीक है,
जूटलैंड प्रायद्वीप, इस प्रायद्वीप में आएंगे दो देश, कौन कौन? डेनमार्क और जर्मनी। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन, और जर्मनी का बर्लिन, ठीक है। तो जूटलैंड प्रायद्वीप में डेनमार्क और जर्मनी आ गया। जर्मनी का किया है कि बीच में यहाँ पे कटिंग करके बना दिया पे है नहर, जो सबसे बेस्ट नहर है, ठीक है, कौन सा? किल नहर। बात करते हैं, नीदरलैंड है और ये बेल्जियम है, ठीक है। तो नीदरलैंड की राजधानी आपका हो गया एम्स्टर्डम, ठीक है, और यहाँ पे आपका बेल्जियम का ब्रुसेल्स। बता चुके हैं कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में यहाँ पे एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, ठीक है। तो लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नीदरलैंड और बेल्जियम, तीन देश मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं? ग्रुप, ठीक है, एक संगठन, ठीक है, कहलाता है बेनेक्स। क्या कहलाते हैं? बेनेक्स कंट्रीज, ठीक है, क्या कहलाते हैं? बेनेक्स कंट्री। बी ई फॉर बेल्जियम, ठीक है, एन ई फॉर नीदरलैंड और एक्स फॉर लग्जमबर्ग, ठीक है। तो तीन देश मिलकर बनाते हैं क्या? बेनेक्स कंट्री, बेनेक्स कंट्री, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। तो ये तीन मिलकर बनाते हैं बेनेक्स कंट्री। तो बेनेक्स कंट्री में तीन, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, तीन देश आते हैं इसमें, ठीक है। आज के लिए बस इतने, नेक्स्ट क्लास में बात करते फिर हम लोग, ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग यहाँ आगे फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।